क्लास 7 टुडे वी विल मूव विद द इंग्लिश ग्रामर पोर्शन. ठीक है, लास्ट हमने कवर किया था नाउन्स एंड आज हम पढ़ेंगे व्हाट बेसिकली प्रोनाउंस आर. आई ऑलरेडी न्यू एंड यू पीपल आर ऑलरेडी फैमिलियर ऑफ व्हाट प्रोनाउंस आर, लेकिन क्योंकि नाउ यू पीपल आर इन क्लास 7 तो थोड़ा सा लेवल इसका अब ज़्यादा हो गया. थिंग्स आर ऑल सेम, बस थोड़ी सी हमें चीज़ों के साथ पढ़ना. जैसे कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स. ठीक है, बेसिकली प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन होता है ना, जैसे अरीबा इज़ अ गर्ल, तो अगर मैं अरीबा को हटा के यूज़ करूँ शी, तो क्या हो जाएगा, शी इज़ अ गर्ल. अरीबा इज़ रिप्लेस्ड बाय शी, तो अरीबा वॉज अ नाउन बट नाउ शी इज़ अ प्रोनाउन. तो आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, ऑल आर क्या, प्रोनाउंस. जो भी चीज़ नाउन को रिप्लेस करके आए वो प्रोनाउन हो जाती है. अच्छा, नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दे डिमॉन्स्ट्रेट और जैसे कि इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ पर, मेरे दिस इज़ अ कैट, दैट वॉज योर बुक, दोज आर माई फ्लावर्स, दीज आर योर पेंसिल्स, जो इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं किस चीज़ के बारे में कि फॉर वेयर एवर दैट थिंग इज, तो दैट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव, दे इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन. वो क्या करते हैं रिलेटिव की हमें एक डिपेंडेंट क्लॉज बताते हैं. जैसे कि एक से कोई एक सेंटेंस है उसमें दो चीज़ों को वो रिलेट करेगा आपस से. कैसे, शी इज़ मोर प्रिटियर देन हर, तो ये मोर इज़ अ प्रोनाउन. अब क्या हुआ कि दो लोगों के दरमियान कंपेरिजन कर दिया एंड मोर को यूज़ करके उसको रिलेटिव बना दिया एक दूसरे के. इनडेफिनेट, दे आर यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक आइटम्स एंड पीपल. अच्छा, जो लोग जिनके बारे में जो स्पेसिफाई नहीं होते, रैंडम बात करने से, एनी वन, तो ये क्या हो जाएगा, एनी वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन. इंटरोगेटिव, जब हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, जैसे हु, विच, व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरीके से. पोजेसिव, दीज आर यूज टू शो ओनरशिप, माई, योर, हिज, जब सब किसी की बताते ना कि ये मेरी चीज़ है या किसी की चीज़ है, ओनर है हम इसके, हम मालिक हैं इसके. आई ओ दिस कार, तो द नाउ हियर ओ इज़ अ प्रोनाउन. सही है, तो योर, जैसे कि दिस इज़ योर, आई कैन से दिस इज़ योर लंच, तो योर पोजेशन बता रहे हैं कि जो लंच है तुम्हारी मिल्कियत है, तो हियर योर इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्टिव, दे रेफर टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस एंड एंड इन सेल्फ और सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ. अच्छा, ये क्या बताता है, ये अपने ही आप को सेंटेंस के आखिरी बताते हैं. जैसे कि हम यूज़ करते हैं ना हिमसेल्फ, He is himself very responsible. तो इस उसी की बात हो रही है, तो उसी ने अपने आप को रिप्लेस करके himself से आ गया, तो now this is the reflective pronoun. Intensive, they are used to add more emphasis to a subject and an in self or selves, myself, himself and herself. ठीक है, personal, they are used as substitutes for a noun or pronoun in a sentence. He, she, I, me, we, it. This is one of the very common type of pronoun that we are familiar with. कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बस substitute कर देते हैं. That जैसे कि name कोई है तो उसको he, she, अपने आप को तो I के साथ इस तरीके से. ठीक है, अच्छा, now move towards exercises. Fill in the blanks with suitable pronouns. Okay, Hamad was early today and said to me, you see, today I have come on time. You see, today dash have come on time. So you see, apni baat kar raha hai, so I have come on time. I will send your message to your friend when I meet him. Theek hai? Aleem said, let us first try to solve the problem ourselves. हमें अपनी प्रॉब्लम पहले वो खुद सॉल्व करें, तो अस है तो अस से प्रोनाउन क्या बनेगा, आर सेल्व्स. माय पेरेंट्स सेड, नाउ टेल अस एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप. पेरेंट्स ने क्या क्या कहा, क्या कहा, अब हमें अपनी ट्रिप के बारे में सब कुछ बताओ. इफ़ यू वांट टू विजिट मॉन्यूमेंट्स हियर, गेट अ गाइड टू टेल योर सेल्व्स अबाउट द हिस्ट्री. अगर तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पे योर सेल्फ जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है. अगर तुम्हें मॉन्यूमेंट्स देखने हैं तो अपने आप को क्या करो, एक क्या गाइड मतलब बोलो कि तुमको सब कुछ पता हो, उनसे जाके मिलाओ ताकि वो तुम्हें इस बार जगह के बारे में सब कुछ बता सकें. अब जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, अपने आप को करा है तो आई से करा, किसी और को करा तो यू से करा, बहुत सारे लोगों को करा तो योर आर सेल्फ से करा. इस तरीके से 5 मैंने बता दिए, जो रिमेनिंग है वो आप लोगों को खुद करना है. अच्छा,
चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू कम्प्लीट दी सेंटेंसेस. हु या हुम इन योर ओपिनियन इज़ द मोस्ट टैलेंटेड अमंग दीज यंग म्यूजिशंस. तो क्या हु इज़ योर नी हुम इज योर हुम इन योर ओपिनियन. द न्यूज़ डिड नॉट अराइज ऑन इट्स ओन डैश मस्ट हैव स्प्रेडेड. न्यूज़ जो है ख़ुद से नहीं फैली, किसी ने फैलाई है. द कैट फेड इट्सेल्फ टिल इट वॉज राउंड एंड हैवी. तो फेड द कैट फेड इट नहीं, द कैट फेड इट्सेल्फ अपने आप को उसने इतना खिला दिया जब तक वो राउंड और हैवी नहीं हो गई. प्लीज हैंड दीज ओवर टू द क्लास मोनिटर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज वाला होगा. आई रोट अ लेटर टू अ फ्रेंड टू द पर्सन डैश इज इन चार्ज नाउ. हु इज इन चार्ज नाउ, दैट इज इन चार्ज नाउ. I saw some boys standing here. Where are they? Where are those? नहीं, where are they? उसने अभी यहीं पर देखा था. तो those मतलब दूर की बात, करीब की बात करेंगे तो they. I am giving my name for poetry competition. Dash, you decided to do? What have you decided to do? ठीक है, अच्छा जो 7 parts करा दिए हैं, remaining आपकी homework है. और exercise E and F जो है वो भी आपकी क्या है, homework है. I guess pronoun is a little bit clear to you. जो मसला हो आप लोग definitely मुझसे आके पूछ सकते हैं. और काम मुझे जो कॉपी चेकिंग की है उस पर प्लीज़ कंप्लीट करके ला दीजिएगा. टिल देन, लाफ एज़ अ स्टूडेंट्स.